हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा आप सब कैसे हैं। बताए मैं क्या बनाने वाली हूँ, बहुत अच्छा चीज़ बनाने वाली हूँ। शायद कोई बना के खाया होगा, मुझे पता नहीं कौन कौन बनाए हैं। और ये रहा पेठा, पेठा को काट ली हूँ। और इधर रहा मिर्चा। और ये रहा मेरा चना, देख सकते हैं चना चना। ये रहा मेरा कढ़ाई, तो कढ़ाई हो चुका है गरम। और ये सब मैं जुगाड़ करके रख ली हूँ। और ये रहा मेरा फोरन, क्योंकि मैं इसको हमेशा खरीद के रखती हूँ, बहुत अच्छा सब्जी बनता है। तो और चलिए मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह के झाड़ू वाड़ू हो चुका है, सफाई उफाई बस पोंछा और सब बाकी काम नहीं हुआ है, तो चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग से एक बात बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फुल वीडियो देखा कीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लाइक भी दिया कीजिए। पता नहीं मेरे से क्यों आप लोग ऐसे करते हैं, आप लोग से क्या मेरे से क्या दुश्मन नहीं है। जैसे सारी दुनिया को कर रहे हैं सपोर्ट, ऐसे मेरा भी कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मेरे को काफ़ी टाइम से वीडियो बनाते हुए हो गया, पता नहीं किसकी नज़र लगा है, क्या पता नहीं कौन क्या किया है, अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों इधर मैं मिर्चा तेल डाल चुकी हूँ और इधर थोड़ा सा गरम मसाला का टुकड़ा डाली हूँ, मतलब सारा गरम मसाला मिक्स है जितना होता है, वो खारा मसाला है। तो इधर मैं डाल चुकी हूँ चना, और मैं चना थोड़ा सा भूंज ली हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल भूंजी हूँ। और उसके बाद मैं पेठा डाल रही हूँ, और पेठा को भी और चना को भी साथ में भूजूंगी दोस्तों। और देखिए आप लोग से बता रही हूँ, एक बार इसको बना कर देखिए और खा के देखिए, तो पता नहीं आप लोग बार बार बना के खाएंगे। तो इसमें डाल रही हूँ दोस्तों, मैं नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, जितना मतलब आपका हो उतना स्वाद अनुसार नमक डालिए। और थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ, धनिया है, धनिया पाउडर है, और मतलब मिक्स है सारे कुछ। और ऊपर से मैं फिर से डाली हूँ जीरा गोल मिर्च का पाउडर। और दोस्तों बस इसमें डाल के, और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा भून, इसको अच्छी तरह से भून कर और फिर से पानी डालूँगी। और इधर देखिए दोस्तों आटा गूंथ के रखी हूँ, आटा गूंथा आ गया है। और इधर परथन रखी हूँ, मैं आटा सानने के पहले थोड़ा सा परथन निकाल लेती हूँ। और इधर देखिए मैं रोटी बेल चुकी हूँ, और बेलना स्टार्ट कर दी रोटी, और मैं इसी पर बेलती हूँ, चौकी पर रोटी वाला बेलने वाला पर नहीं बेलती। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बेल रही हूँ, क्योंकि पतिदेव जी को ड्यूटी जाना है और बच्चे स्कूल चले गए हैं। और दोस्तों एक अभी 9 बच गए हैं, तो उनका भी एडमिशन कराना है, गांव गई थी तो नाम कट चुका है। और दोस्तों मैं पहली बार जो रोटी निकालती हूँ, वो रोटी निकाल कर मैं रख देती हूँ गाय के लिए, पहला रोटी मैं गाय के निकाल के रखती हूँ, और सबसे लास्ट वाले मतलब डोगी कुत्ते के लिए निकालती हूँ। तो ये ज़रूरी होता है दोस्तों, आप लोग को मालूम नहीं होगा तो ये निकाल के आप लोग भी रखिएगा, देखिएगा बहुत अच्छा लगता है और अच्छा भी होता है। तो इधर देखिए सब्जी बन चुका है मेरा, और रोटी भी पैक कर रही हूँ टिफ़न में, और सब्जी भी देखिए। और दोस्तों शाम हो चुका है, तो मेरे पतिदेव जी आज जल्दी आ गए, तो मैं आज सोमवार है, तो मैं सोची ना कि चलिए चलते हैं, क्या बोलते हैं, मंदिर, और सारे आदमी चलते हैं मंदिर। तो मैं दिन में नहीं, सुबह नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि काम करते करते जल्दी वो हो जाता है, 12 बज जाता है, 11 बज जाता है, तो मैं सोचती हूँ अच्छा नहीं लगता इस टाइम जाने में। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जाऊँ मंदिर, लेकिन आई हूँ इस टाइम, अभी 8:30 हो रहा होगा, मेरे पतिदेव जी आ गए, तो मैं सोची चलिए पूजा करते हैं भोले बाबा का। आज है सोमवार सावन का, तो ये दूसरी सोमवार है सावन का। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ शाम के, और भोले बाबा की कृपा हम लोग पे भी रहे, आप लोग भी रहे, भोले बाबा आपको भी, आप लोग को भी तरक्की मिले काम में, आप लोग भी खुश रहिए।
और हम लोग भी उसके आप लोग के पीछे हम लोग भी खुश रहे, हम लोग के भी काम में तरक्की मिले और अच्छा से रहें, और सब आप सब भी रहिए। मैं यही दुआ करूँगी भोले बाबा से, और भोले बाबा की कृपा ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों देखिए, मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ और पंडित जी बाहर बैठे हैं और दो तीन लोग और हैं, तो हम ही लोग आए हैं, और शाम के जिसको पूजा करना होता है, दिया बारना, वो सब करके चले गए हैं। तो चलिए दोस्तों पूजा करते हैं, आप सब बने रहिए, और भोले बाबा से आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, दर्शन कीजिए। और मेरे अभिनव अस्थिर नहीं रह रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो मैं अपना पूजा करती हूँ। पहले ध्यान से भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ, और सुबह के जो बेलपत्री था, जो भी कुछ था फूल वूल, तो उसमें से मैं बचा के रखी थी कि शाम के आज ज़रूर जाऊँगी, जाऊँगी तो जाऊँगी। तो दोस्तों मैं बोली थी वो पिछले सोमवार की भी बोली थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई, लेकिन इस बार इस सोमवार की बोली कि मैं पक्का जाऊँगी, भोले बाबा आप बुलाना। तो मैं शाम के चली गई, पतिदेव जी भी आ गए, तो साथ में सब मिल के चले गए। तो सारे कोई कि मैं टीका लगा रही हूँ भोले बाबा के, भोले बाबा से उठा कर मांग के। तो यही बात है दोस्तों, अब बेलपत्री में मैं बेलपत्री चढ़ाऊँगी, इसमें लेप लगा दी हूँ पीला चंदन का, और भोले बाबा को चढ़ा रही हूँ। तो मैं क्या बताऊँ दोस्तों, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे मतलब बोलूँ अपना दुख, तो मैं क्या करूँ। भगवान से अपना दुख शेयर करती हूँ, घर में रहती हूँ तो चाहे भगवान के पास आती हूँ तो, और मेरा लक कभी साथ नहीं देता, पता नहीं मेरा नसीब क्या है। और मैं बचपन से इतना दुख काटी हूँ और अभी तक, और शादी हो गया तब भी, अभी तक भी, बचपन में भी कभी मुझे अच्छा मतलब सुख शांति नहीं मिला, कभी अच्छा से किसी का प्यार नहीं मिला मुझे। लेकिन क्या करें दोस्तों, दुख 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 दुख, मैं परेशान हो जाती हूँ, और कोई काम भी और करती हूँ मैं, उसमें मुझे सफलता नहीं मिलता। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मतलब कुछ जानते हैं और कुछ आप लोग किए होंगे, आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग सफलता मिल, तो मुझे भी बताइएगा मैं क्या करूं। मैं 2 साल हो गया इस, अब इस सावन में 2 साल हो गया मैं चैनल अपना स्टार्ट करी थी और खोली थी चैनल, तो 2 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। शुरू शुरू में दोस्तों मैं कैसे वीडियो बनाती थी मुझे मालूम भी नहीं, और किस तरह शूट करती थी, लेकिन उस टाइम मेरा 200, 100, 300, 400 इसे भी आ जाता था, किसी किसी पर 800 भी आया है, और किसी किसी पर इसे आ जाता था। और दोस्तों पता नहीं गांव जाके मैं आई, जिस टाइम से मेरा डाउन हो गया, और पता नहीं किसकी क्या हुआ, मेरे साथ क्या करते हैं ना करते हैं, क्या किए हैं ना किए हैं, अब भगवान जानते हैं, यही भगवान जानते हैं, भोले बाबा जानते हैं। मेरा चैनल चलने का नाम ही नहीं लेता, और मेरे से पीछे पीछे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और मैं कैसे बनाऊँ कोई बताता भी नहीं है, मेरे दोस्त भी नहीं बताते, मेरे प्यारे जो भी है, प्यारे प्यारे YouTube फैमिली है और मेरी फैमिली है, कोई नहीं बताता। मेरे YouTube फैमिली अपने तो है, मेरी फैमिली मैं अपना समझती हूँ, और क्या ही बताऊँ, कैसे शूट करूँ, क्या करूँ। शुरू शुरू में कुछ आ भी जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं आता था, आता है, और मैं क्या क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे बोलूँ, मेरा दुख दर्द भगवान भी नहीं समझते। किसी के पास चाहे कितना सर पटक लो, किसी से कितना चाहे कुछ भी मांग लो, कोई नहीं सुनता। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्यों नहीं सफलता मिलता मुझे। शुरू में सही होता है, और पता नहीं थोड़ा थोड़ा जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे मेरा सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। तो पता नहीं किसी ने कुछ कर देती है, पीछा पड़ती है कि क्या करती है, कौन जानता है, कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं, भोले बाबा जानते हैं, भोले भंडारी जानते हैं। तो यहाँ पूजा हो गया था, थोड़ा सा ठाड़ा कहो कि मैं शूट कर ली, और इधर एक सिस्टर आ गई तो ये भी पूजा कर रही है, दिया हुआ दिखा रही है। इधर देखिए मेरे बच्चे कैसे लड़ाई कर रहे हैं, क्या ही बताऊं। और इधर देखिए हम पूजा करके पंडित जी के कुछ दान दक्षिणा दिए, उनका पैर छुए पंडित जी का,
और भगवान क्या ही बताऊँ, मेरा दिल ना क्या ही बताऊँ। अब इधर से देखिए दोस्तों, मुझे सावन में हाड़ा चूड़ी लेना था। पिछली बार का चूड़ी मैं पहनी थी हाड़ा हाड़ा, तो ये हाड़ा चूड़ी लेना था। तो इनके पास आई, सिस्टर के पास, और जो सिस्टर से मैं लेती हूँ वो बढ़ा अपना दुकान बढ़ा दी है, मतलब बंद करके चली गई है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ और इनके पास से सोच रही हूँ कुछ सामान ली। तो इनके पास मेरे नाप का चूड़ी नहीं है। तो देखिए मेरे पतिदेव जी दुकान में गए, दुकान में भी, तो मुझे वो सब चूड़ी नहीं लेना था। तो यहाँ पर